Hello everyone, this is Sudhir and welcome to our YouTube channel. Today we discuss mixed farming. आज बेटा हम जो डिस्कस करेंगे वो करेंगे मिक्स्ड फार्मिंग के बारे में. और पिछली वीडियो के अंदर हमने जो डिस्कस किया था वो किया था एक्सटेंसिव कमर्शियल ग्रेन कल्टीवेशन, जिसके अंदर हमने जो डिस्कस किया वो किया था वीट के बारे में, कि जहाँ पे जो वीट की जो कल्टीवेशन है वो इम्पोर्टेंस ज़्यादा है, वो वीट को दी जाती है ऐसी कल्टीवेशन. और आज हम पढ़ेंगे मिक्स्ड फार्मिंग. और तो इससे पहले हम कुछ और जो एग्रीकल्चर हैं उनके बारे में डिस्कस कर चुके हैं. मिक्स्ड फार्मिंग आपको नाम से जो नाम है उससे स्पष्ट होता है कि एक समय में दो चीज़ें करना, एक टाइम में कृषि करना और उसी समय क्या करना, जो पशु हैं उनको पालना, तो ये कहलाती है मिक्स्ड फार्मिंग. कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप, रेयरिंग ऑफ एनिमल्स एट सेम टाइम, एक ही समय हम कल्टीवेशन करते हैं और पशुओं को पालते हैं, तो इसी को बोलते हैं हम मिक्स्ड फार्मिंग. और इसके अंदर जो मेजर जो क्रॉप होते हैं, क्या बेटा देखिए यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हैं वो आप यार नोट कर लीजिए. जो मेजर जो क्रॉप होती है वो है वीट है, ओट्स है, रागी है, मेज है, फोडर है एंड रूट क्रॉप्स, ये प्रमुख इसकी क्रॉप्स हैं. और जो फेड जो फोडर जो क्रॉप है इसको ज़्यादा इम्पोर्टेंस है वो दी जाती है, क्योंकि जो एनिमल्स हैं उनको भी रखा जाता है इसके अंदर, जो एनिमल्स हैं उनके लिए चारे की व्यवस्था करने के लिए जो फोडर क्रॉप है उनको ज़्यादा इम्पोर्टेंस है वो दी जाती है एनिमल्स. अब बात करते हैं एनिमल्स की, कैटल हैं, शिप हैं, पिग हैं, ये जो एनिमल्स हैं इनको एक साथ है वो रखा जाता है. इनकम सोर्स ऑल्सो विद क्रॉप्स, और ये दोनों क्रॉप भी, क्रॉप की भी मैं बात करूँ और जो एनिमल्स हैं ये दोनों इनकम का सोर्स हैं इनके लिए, कि जो क्रॉप हैं उनको ये बेच देते हैं, जो ज़्यादा जिनकी जो कल्टीवेशन है वो कल्टीवेशन तो ये हर एक की करते हैं, अलग अलग जो क्रॉप हैं उनकी जो कल्टीवेशन है वो करते हैं बेटा, फिर कुछ जो एक्स्ट्रा जो इनके पास बच जाता है तो इसको ये मार्केट के अंदर बेच देते हैं. तो और ख़ासकर जो शिप्स हैं, जो एनिमल, जो और भी जो कैटल्स हैं, इनका क्या करते हैं, जो मिल्क है, मीट है और जो इनकी जो स्किन है या मैं कहूँ कि जो वूल है उनको ये मार्केट के अंदर सेल कर देते हैं, जिसके कारण इनको अलग से जो इनकम है वो मिलती है बेटा. मेंटेन सोयल फर्टिलिटी, और जो यहाँ पे जो जिस पे कृषि करते हैं उसकी सोयल की फर्टिलिटी को बनाए रखने के लिए ये क्रॉप रोटेशन करते हैं, कि क्रॉप रोटेशन का मतलब है कि एक बार इसकी कृषि की फिर उसकी कृषि की. और क्या करते हैं, इंटरक्रॉपिंग, कि एक समय में दो या दो से अधिक जो क्रॉप हैं वो लेते हैं, तो क्रॉप रोटेशन भी करते हैं और इंटरक्रॉपिंग भी करते हैं बेटा. तो आपसे पूछ सकता है कि वो सोयल की फर्टिलिटी को बचाने के लिए किस चीज़ का या किस सिस्टम का वो इस्तेमाल है वो करते हैं, किस प्रणाली का जो यूज है वो करते हैं बेटा. अब बात करते हैं फीचर की. अब इसके फीचर भी हैं कुछ, इसके विशेषताएं भी हैं कुछ, वो आपको याद रखनी है बेटा. जैसे मैंने हर एक के बारे में बताता हूँ, कुछ ना कुछ इनके फीचर भी होते हैं. इसके अंदर क्या होता है, हाई कैपिटल इन्वेस्टमेंट, और इसके अंतर्गत क्या होता है कि जो कैपिटल है, जो पूंजी है वो ज़्यादा इस्तेमाल है वो की जाती है, मशीनों का यूज़ है वो ज़्यादा किया जाता है, क्योंकि देखिए यहाँ पे क्या है, कल्टीवेशन भी की जा रही है और यहाँ पे जो एनिमल्स हैं उनको भी रखा जा रहा है, तो उनके लिए शेल्टर की जो प्रॉब्लम है वो क्रिएट होती है, तो इसके लिए भी जो पैसा वो ज़्यादा लगता है. और मशीनों का इस्तेमाल, क्योंकि वो एग्रीकल्चर करते हैं, इसकी हार्वेस्टिंग है से लेकर, मतलब मैं कहूँ कि कल्टीवेशन से लेकर हार्वेस्टिंग तक का जो सारा जो काम है वो मशीनों के द्वारा किया जाता है. और यहाँ पे स्किल लेबर की आवश्यकता होती है, ये नहीं कि अनस्किल लेबर है वो काम करेगी यहाँ पे, नहीं, यहाँ पे इस चीज़ के लिए हमें जो स्किल जो लेबर है उसकी आवश्यकता है वो पड़ती है. यूज केमिकल फर्टिलाइज़र, और जो मैं कहूँ कि जो सॉइल की जो फर्टिलिटी है उसको भी बचाने के लिए ये लोग जो केमिकल जो फर्टिलिटी है उसका इस्तेमाल करते हैं, जो केमिकल जो फर्टिलाइज़र है उनका इस्तेमाल करते हैं, और ये मैन्यूर का भी इस्तेमाल है वो करते हैं. अब बात करते हैं एरिया की बेटा. एरिया इसके, ये ज़्यादातर उन क्षेत्रों में की जाती है जो डेवलप रीजन है, कि जो डेवलप रीजन है वर्ल्ड के उन क्षेत्रों में ये की जाती है, जैसे नॉर्थ वेस्टर्न यूरोप, ईस्टर्न नॉर्थ अमेरिका, दो क्षेत्र हो गए आपका. तीसरा जो क्षेत्र है वो है पार्ट ऑफ यूरेशिया, यूरेशिया का जो पार्ट है उसके अंदर भी की जाती है. और चौथा है टेम्परेट लेटिट्यूड ऑफ साउथर्न कॉन्टिनेंट, और जो साउथर्न जो कॉन्टिनेंट है हमारे उसके अंदर जो टेम्परेट जो लेटिट्यूड होते हैं उनमें इस प्रकार की जो कल्टिवेशन है वो की जाती है बेटा. तो
हमारा मिक्स फार्मिंग है वो कंप्लीट हुआ बेटा। अगली जो वीडियो है उसके अंदर हम आपको डिस्कस करेंगे डेयरी फार्मिंग के बारे में। डेयरी फार्मिंग है क्या, क्यों ये ज़्यादा विकसित होती जा रही है, क्यों ज़्यादा डेवलप होती जा रही है, ये सारी जो चीज़ें हम वो डिस्कस करेंगे अगली वीडियो के अंदर। और बस आज के लिए इतना ही था, मिलते हैं अब अगली वीडियो के अंदर। थैंक यू।